हेलो गाइज, राजू स्पेस टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एचपी का मदरबोर्ड चेक करते हैं जो कि जीवन की सीरीज का आता है, ठीक है। और इसमें एएमडी प्रोसेसर लगता है और आप देख पा रहे हैं ये एएमडी फैन और हीट सिंक है। तो आप बने रहें वीडियो से और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये हमारे इंजीनियर हैं मिस्टर दिवाकर सिंह, और देखिए ये इसको कैसे डायग्नोस करके इसमें टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर। तो देखिए चेक करते हैं। तो अब दिवाकर जी, मेरे पास 3 रैम है, 3 DDR3 ही रैम है, ये देखिए, ये इनके पास आप देख पा रहे हैं इनके पास 3 टाइप की रैम है, तीनों DDR3 रैम है। तो तीनों इसमें कैटेगरी के अनुसार देखा जाए तो लग जाएंगे, लेकिन एक्सेप्टेड बात है तीनों एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें से केवल हमारा एक ही रैम एक्सेप्ट करेगा और इसमें आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी बेस पे ही एक्सेप्टेड करते हैं। ये हमारा जो रैम है ये इनकी 12800 रैम है और ये रैम 16600 है। हाँ, ये 10600U रैम है और ये देखिए थोड़ा सा मिट रहा है, बट इस पर 13-33 है, ठीक है। 13-33 रैम है। ये तीनों रैम मैं आपके सामने मैं लगा के चेक कर रहा हूँ, तीनों पे डिस्प्ले दोनों पे नहीं आएंगे, बस एक पे डिस्प्ले आएंगे जो हमारा 12800 रैम होगा। तो देखिए ये कैसे ट्रबल शूट कर रहे हैं रैम लगा के और कैसे चेक करते हैं। ये देखिए एनालाइजर है जो कि मिनी PCI स्लॉट में लगता है और ये देखिए केबल लगा के चेक कर रहे हैं। ये इधर इसका देखिए सारे कनेक्शन लगे हुए हैं, VGA केबल और USB कीबोर्ड और USB माउस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक कार्ड में भी 8484 दिखा रहा है, बट अभी हमारा देखिए कोई भी डिस्प्ले शो नहीं हुआ है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें तभी आप जान पाएंगे कि इसमें कौन से जीवन के मदरबोर्ड में जो AMD का होता है उसमें कौन सी रैम सपोर्ट करती है। तो देख रहे हैं आप अभी तक कोई डिस्प्ले नहीं आया और 84 यहाँ पे डाटा स्टक हो गया है। तो चलिए अभी बंद करके दूसरी रैम चेक करते हैं। अब देख नंबर आता है 10600U का, लगाइए। तो देखिए एनालाइजर अभी 8484 कोडिंग दिखा रहा है, ठीक है, बट हमारा इसमें देखिए यहाँ पे ये 10600 भी इसमें सपोर्ट कर गई है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 10600 रैम भी सपोर्ट करती है। तो निकालिए दोस्तों इसको और चलिए तीसरी रैम और लगा लेते हैं इसमें। जो कि हमारी 12800E थी। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे 84 दिखा रहा है, बट इसमें देखिए कितना फास्ट डिस्प्ले आ गया हमारा। तो आपको इसमें जानेंगे कि जीवन के मदरबोर्ड में 13-33 रैम सपोर्ट नहीं करती है, इसमें आप 10600 लगा सकते हैं और 12800 लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने सीखा कि जीवन AMD मदरबोर्ड जो HP का है कंपनी का और उसमें कौन सी रैम सपोर्ट करती है, यहाँ पे आप सीखें, ठीक है। तो हमारा कैसा लगा वीडियो दोस्तों, हमारे कोई प्रॉब्लम है आपको डिस्प्ले से इशू या सर्किट से इशू, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।